इतनी महंगाई चल रही है, इतना इन्फ्लेशन है, ऐसे में अगर जो है वो एक ज़रूरत को पूरा किया जाए तो दूसरी ज़रूरत सर्वे आ जाती है, और रातों रातों कोई अमीर नहीं हो सकता। और आजकल का जिस तरह का टाइम चल रहा है, इतनी टफ़ लाइफ है हर किसी की, तो इसमें तो जो है वो पैसे बचाना बहुत ही मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर हम बड़े ख़र्चों को छोड़कर छोटे छोटे ख़र्चों को काबू करना सीखें और मनी सेविंग जो है वो हैबिट्स को अपनाएं, अपनी लाइफ में शामिल करें, तो हम बहुत हद तक जो है वो इन चीज़ों से जो है वो निकल सकते हैं और अपनी लाइफ में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। और जिस तरह आजकल का टाइम चल रहा है, हमें ऐसी हैबिट्स को अपनाना ही पड़ेगा। एक दूसरे से ही हम शेयर करके जो है अपनी लाइफ में अच्छाइयाँ डाल सकते हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ ही ऐसी हैबिट्स को शेयर करें। आज मैं आपके साथ जो है वो हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जो मैं अपनाती हूँ, जो जिसकी वजह से जो है वो मैं अपनी लाइफ में जो है वो आसानियाँ पैदा करती हूँ। तो क्यों ना मैंने कहा आपसे शेयर किया जाए ताकि आप इससे बहुत ही फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल हटी को डायरी। तो जी, टाइम ज़ाया नहीं करते और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे जगह और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना था, तो ये मुझे काफ़ी जो है ना वो रीज़नेबल प्राइस का मिल गया ऑनलाइन, तो मैंने इसको मंगवा लिया। और ये इसके साथ जो है ना वो मैंने कहा इसको वाइपर और ये जो मेरा ब्रूम वगैरह होता है तो इसको जो है हैंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है और कहीं भी हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह आई कि जब मैंने इसको लगाने के लिए सोचा तो हमारे पास जो था वो इसके साथ हैंगिंग का कोई पार्ट नहीं था, कुछ रोप वगैरह नहीं लगी हुई थी। तो उसको लगाने के लिए मैंने पहले जो था वो रबर बैंड का इस्तेमाल किया, लेकिन वो 2 से 3 दिन में ही उतर गया, तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि उसने काम ही नहीं किया। तो फिर ये ऐसे जो थे ना वो वायर बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ी चीप प्राइसेस में अवेलेबल हैं मार्केट में, तो ऐसी चीज़ जो है ना वो घर में रखना बड़ा ही ज़रूरी है, बड़ी चीप प्राइसेस में मिल जाता है। और ऐसे आपके पास कोई भी हो ना रिंग वगैरह होती है और या फिर इस तरह केन जब हम ओपन करते हैं जूस केन्स वगैरह होते हैं तो उसके साथ लगा होता है, ठीक है, फिजी ड्रिंक्स के साथ। तो बस फिर मैंने इसके साथ जो है वो इसको टाई करने के लिए सोचा और इसने काम किया, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था आइडिया, तो इसलिए मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको अच्छे तरीके से मैंने इसके साथ बांध दिया और ये जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो इसके साथ जो है ना वो लग जाता है। तो आपने क्या कर लेना है, एक्स्ट्रा वायर को जो है ना आपने सीधा से कट कर लेना है और आप इसको जहाँ भी हैंग करना चाहें ना ये इतने अच्छे तरीके से ना प्रॉपरली हैंग हो जाएगा और अब ये ज़मीन के साथ लगा नहीं रहेगा और आपकी तमाम चीज़ें जो है ना वो इधर जो है ना वेल ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो जो सफाई की तमाम चीज़ होती है ना वो मैं एक ही जगह पर रखना पसंद करती हूँ और ये हैबिट बना लें। इस तरह जो होंगी ना वो चीज़ें जो होंगी ना वो डेली हमारी इस्तेमाल में होती हैं और इनको हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, रोज़ तो हम ये चीज़ें खरीद नहीं सकते, इधर उधर जो होता है ना बच्चे होते हैं वाइपर गिराते हैं और अक्सर ये जल्दी से टूट जाते हैं। तो जब आप इसको एक ही जगह पे रखेंगे और इस तरह वेल ऑर्गेनाइज करके अपनी चीज़ों को रखेंगे, अपनी हैबिट बना लेंगे, तो आप तो जिस चीज़ ने जो है वो 2 महीने चलना होगा तो आप उसको जो है वो 4 से 5 महीने इजीली आप चला सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा चला सकते हैं अगर अच्छे तरीके से आप चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो यही पैसे आपके बचते रहेंगे। नेक्स्ट आइडिया प्लास्टिक बॉटल को लेकर है कि ऐसी बॉटल्स को मैं पानी स्टोर करने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ऐसी बॉटल्स को इस्तेमाल करें, लेकिन इसके बेहतरीन DIYs आप बनाकर और जो है अपने पैसे बचा सकते हैं और इसको जो है ना जिन चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी हमारे काफ़ी पैसे बच सकते हैं। जिस तरह के मैं आपको अपनी हैबिट बताऊंगी, मैं ऐसी बॉटल्स की कटिंग करके और जो है ना इसके ऑर्गेनाइजर्स बना के फ्रिज में ग्रॉसरी वगैरह स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। बिलीव मी, इससे बहुत ज़्यादा पैसे भी बचते हैं। अगर ही जो है ना हम वीकली जो ग्रॉसरी वगैरह हम लोग कर लेते हैं और उसको ख़राब होने से बचाने के लिए सारी बातें इतनी स्पेसिंग होती है, अगर छोटा फ्रिज है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, और अगर कोई ओकेजन आ रहा है, कोई फंक्शन है, कोई ईद है, तो उसमें हम वैसे भी ज़्यादा ग्रॉसरी हम लोग जो है वो ले आते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप ऑर्गेनाइजर्स बनाएं जो आपके जो है ना वो बेहतरीन तरीके से स्टोरेज हर एरिया जो है ना आपको उसको कवर कर सके, आपके फ्रिज का, आपकी कैबिनेट्स का। तो ये फ्रिज में आप बनाएं, आपके जो ये डोर एरिया होता है उसमें बेहतरीन तरीके से सारी जो है ना ये ग्रॉसरी वगैरह आप इस में बना के रखें। बॉटम और अपर पार्ट जो है वो उसका कट करके 2 बॉटल से एक ऑर्गेनाइजर इसी तरह बना के आप रख लें जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में तरीका सिखाया है, बेहतरीन तरीके से। देखें हम इसमें हम इतना सामान तो नहीं रख सकते थे ना, लेकिन अब इसमें हम 4 बॉटल्स में जो है ना वो हम कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से पैसे बचते हैं और इन्हीं चीज़ों से जो है वो हमारी ज़िंदगी में बेहतरीन सुधार पैदा होता है।
उम्मीद है ये मनी सेविंग टिप आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ऑर्गेनाइजर बना के आप भी जो है ना वो पैसे बचा सकते हैं। तो ऐसी एक और टिप आप इससे रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास ऐसी जार्स वगैरह होते हैं ना, तो मैं अक्सर जब पेंट्स वगैरह मेरे घर में होती हैं तो मैं उसको जो है ना इस तरह की बॉटल्स या इस तरह के जार्स में जो है वो सेव कर लेती हूँ। तो इनका एक तो रीयूज़ हो जाता है, ठीक है, और दूसरा जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ बजाय दोबारा मार्केट जाके ख़रीदने के। तो थोड़े थोड़े पेंट्स क्या बाज़ार से जाके ख़रीदना, तो इससे अच्छा है कि आप इसको पहले छोटे छोटे जार्स में है ना वो ऐसे सेव कर लें। तो इस तरह जो है वो बॉटल को मैं पेंट करके रीयूज़ कर लेती हूँ तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो देखें ऐसे कॉटन बर्ड्स के साथ हम कितना अच्छा छोटा सा जो है ना वो इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं और प्यारी सी बॉटल जो है वो सेट हो जाएगी। तो आप भी ऐसे जो है ना वो घर में मौजूद चीज़ों को खूबसूरत तरीके से सजाएँ और बजाय मार्केट से लाने के। तो ये देखें ये हनी की बॉटल थी और इसको जो है वो मैं सेट कर रही हूँ। बड़ी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उससे घर जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, पैसे भी बच जाते हैं, दूसरा हमें सेटिस्फेक्शन भी फील होती है अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें जब घर में हम देखते हैं और वो हमारे किचन की थीम के साथ जो है वो बड़ी परफेक्टली मैच भी हो जाती हैं। तो आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ऐसी जब हम आजकल तो है वैसे पुदीना अवेलेबल है तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर लूँ। ये पुदीना जो था वो मैंने जो कपड़े के जो बैग्स आते हैं या आप उसे कह लें जो आजकल हम शॉपिंग करते हैं तो उस तरह के कपड़े के हम लोगों को मिलते हैं, तो उसमें मैं ये डालकर जो है वो ड्राई कर लेती हूँ और धूप में नहीं ड्राई करती। तो ये टिप आप ज़रूर याद रखें, बजाय मार्केट से इसको लाने के धोकर आप खुद इसी तरह जो है वो ड्राई करें, इससे आपके पैसे भी बचेंगे और कम पैसों में जो है वो आप ज़्यादा पुदीना जो है वो ड्राई पुदीना जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरी हैबिट है कि मैं जब भी इसको जब है करके ड्राई करने के बाद जो है ना एक ट्रे ले लेती हूँ या उसके नीचे पेपर वगैरह डाल के ताकि मैस ना क्रिएट हो और स्प्लिट ना करें यहाँ पर उधर, तो स्पिलिंग होने से बचाने के लिए जो है वो आप पेपर का और ट्रे का इस्तेमाल करें। तो इस तरह मैं हाथ से ही उसको जो है वो क्रश करके और इसको पेपर के ऊपर जो है ना वो किसी आप स्टेनर से या किसी इस तरह की बास्केट में डालकर कर लें। और ये लंबे तीले होते हैं ना, इनको हाथ से आप जो है रिमूव कर लें तो ये बड़ा अच्छा आपके पास जो है ना खुशबू वाला जो है वो पुदीना जो है वो पाउडर तैयार हो जाएगा। और आजकल धूप के दिन हैताओं के दिन है तो इसका आप दही के साथ जो कुकम्बर होता है उसके साथ इस्तेमाल करें। और ऐसी मेडिसिन की बॉटल को भी मैं पेंट करके रख लेती हूँ, ये शीशे की बॉटल्स होती हैं और इसके अंदर जो हम जब ये ड्राई पुदीना वगैरह जो होते हैं या मिंट लीव्स होते हैं इनको हम जब सेव करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास ये जो है वो स्टोर रहती है। तो आप इसको डायरेक्ट लीव्स को भी सेव कर सकते हैं या आप इसका पाउडर बना के इसी तरह क्रश करके सेव करें, ये इतना बेनिफिशियल है, आप बीमारियों से बचेंगे तो आपके पैसे डॉक्टर्स के बच जाएंगे। तो है ना ये मनी सेविंग टिप। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे हमारे डिस्पोजेबल कंटेनर्स होते हैं तो मेरी तो हैबिट है मैं इनको जो है वो स्टोर करके रख लेती हूँ और जब ये लेफ्ट ओवर फूड होता है जिसको हमने फ्रीज करना होता है तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। वैसे मैं फ्रिज में रखने के लिए इसको प्रेफर नहीं करूँगी या गर्म खाना डालने के लिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने बजाय पूरी पतलियाँ आप रखें और जो है वो फ्रिज में टेम्परेचर भी उसको जो है वो काफ़ी लगता है और जी आजकल जो बिजली के रेट चल रहे हैं तो इससे अच्छा है कि हम बिजली को जितना बचा सके तो हमने छोटी सी छोटी चीज़ में या जो है ना फ्रिज में चीज़ें या फ्रीज़र में है ना वो चीज़ें रखनी है ताकि हमारी जो है ना बिजली की बचत हो सके। बड़ा बर्तन जो है ना वो बिजली काफ़ी जो है ना उसको ठंडे होने में टाइम लगता है। या आपने किसी को ऐसा जो है ना बचा हुआ खाना देना है इसकी भी हैबिट बना लें, अपने घर में लेफ्ट ओवर फूड जो है ना वो किसी के साथ शेयर कर लिया करें तो है ना ये बड़े काम की टिप, आपके पैसे भी बचेंगे, आपका खाना भी ज़ाया नहीं होगा। आते ही जी नेक्स्ट टिप की तरफ। ऐसे मेरे पास जो जेब वगैरह ऐसी होती हैं या आपके पास जितनी भी चेन्स वगैरह ऐसी होती हैं तो वो टूट जाती हैं तो उसको वेस्ट मत करें, ये भी जो है आपके बड़े काम आ सकती है। तो कैसे काम आ सकती है मैं आज आपके साथ ये शेयर करूँगी। जो पिलो के कवर्स होते हैं ना इसके अंदर जो है ना फिलिंग के लिए जो हम लोग अक्सर सूती जो है वो डोरी का इस्तेमाल करती हैं या इसके लिए जो है वो एक्स्ट्रा जो है हम इसी कपड़े का जो फैब्रिक का जो है वो नाला टाइप बना लेती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की जो है ना वो चेन्स वगैरह जिसकी आप जिप वगैरह टूट जाती है आप इसका इस्तेमाल करें तो बिलीव में ये इजीली ओपन भी होता है, इसको टाई करना भी इजी होता है और काफ़ी जो है वो स्टडी होता है। तो आप ये ऐसा करके देखिएगा, मैंने जब पिलो में इसको फेल किया तो मुझे तो इतनी आसानी हो गई और इसको करना, और जब मैं इसको वॉश भी करती हूँ तो ये दोबारा जो है वो ईज़िली जो है वो इसके बाद दोबारा कवरिंग मुझे करना आसान होती है, टाई करना ओपन करना बहुत ही आसान है। आप ही ऐसी जो है ना वो जीन्स वगैरह लेफ्ट ओवर जीन्स होती हैं उसका इस्तेमाल करें, पिलो कवर्स की जो है ना वो आप इस तरह जो है वो डोरी बना लें बजाय इसका एक एक्स्ट्रा से नाड़ा बनाना या सिलवाना, वो काफ़ी
महंगा भी पड़ता है और आपका जो है वो टाइम भी वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा नहीं है कि आप जो है वो पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। तो है ना, ये आपकी टाइम एंड मनी सेविंग टिप। तो उम्मीद है ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी, गर्मियों का ज़बरदस्त वाटरमेलन सीज़न है और लेकिन अब इसका यही प्रॉब्लम है कि इकट्ठा तो एक साथ कोई खा नहीं सकता। तो इसकी बेस्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी आप इसकी कटिंग करें ना, तो ऐसी शावर कैप जो होती है ना हमारे घर में अवेलेबल होती है, ना हो तो आप किसी शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गिरदगिर्द उसको जो है वो लास्टिक से कवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से जो है वो शावर कैप से हम इसको कवर कर सकते हैं। लेफ्ट ओवर हमारे पास जो वाटरमेलन पीस होता है तो उसको आप अगर फ्रिज में रखेंगे तो किसी चीज़ में भी इसकी स्मेल नहीं जाएगी और आप इजीली इसको रीयूज़ कर सकते हैं और ये जल्दी जो है वो ख़राब भी नहीं होगा। इसके टेस्ट में भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको करके देखिएगा, ये बेस्ट तरीका है। और मैं तो इसको ऐसे ही करती हूँ, समझ में जितना चाहिए होता है उतना यूज़ करते हैं, बाकी को जो है वो कवर करके जो है वो हमारी हैबिट है कि हम इसको शावर कैप से कवर करके रख देते हैं। और अगर गर्मियों में आप जो है वो वाटरमेलन के ऊपर जो है वो नमक का इस्तेमाल करें, स्पेशली पिंक साल्ट का इस्तेमाल करें, तो वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है और हीट स्ट्रोक से बचने का बेस्ट तरीका है वाटरमेलन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आप अपने पैसे भी बचाएंगे। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी, ये भी मनी सेविंग टिप है, ये भी हैबिट है मेरी कि मैं पुरानी चीज़ें बच्चों की नहीं फेंकती है। जैसे पेंसिल बॉक्सेस वगैरह होते हैं और बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना उनका अच्छा खासा ख्याल नहीं रख सकते, गिरने से टूट जाते हैं और फिर इसका क्या किया जाए फेंकने के अलावा। तो आज मैं आपके साथ ये हैक शेयर कर रही हूँ कि जो भी ब्रोकन पार्ट हो, कोई भी टूटा हुआ हिस्सा हो, तो अगर वो जोड़ सकता है, इस काबिल है, तो आप इसको जोड़ने ही में आप ये समझें आप इसको जोड़ लें। मैं इसको जो है ना वो डेप के हाथ से जोड़ रही हूँ और मैं इसको सिंक एरिया के पास रखती हूँ जब मैं बर्तन वगैरह जो है ना वॉश करती हूँ। तो ये मेरी क्लीनिंग जो है ना ब्रशेज, तो मैं इसमें रखती हूँ बास्केट वगैरह को क्लीन करने के लिए, फीडर के ढक्कन वगैरह को, बॉटल्स के, तो ये बड़े अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। बचत हो गई कि हमने ऑर्गेनाइजर भी नहीं लिया और ब्रशेस भी नहीं खरीदी, पुरानी ब्रशेस का भी इस्तेमाल कर लिया और पुराने ऑर्गेनाइजर को भी बेस्ट ऑर्गेनाइजर बना के इस्तेमाल कर लिया। तो इसका इस्तेमाल हम डिफरेंट और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बच्चों के स्पेक्टिकल्स वगैरह जो है वो रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ कि एक डेजिग्नेटेड एरिया मैंने उनके लिए रख दिया है कि वो जब भी अपनी ग्लासेस उतारें तो वो जो है वो इसी में जो है वो रखें। तो ये बेस्ट तरीका है बच्चों को चीज़ों का डिसिप्लिन सिखाने के लिए। तो उम्मीद है ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस तरीके से जो है वो नहीं रखना चाहते तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, जितने भी साशे वगैरह होते हैं केचप के और जितने हमारे मसालों के साशे होते हैं आप उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हैं। तो ये बड़े अच्छे तरीके से डिफरेंट छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है हमारा, छोटू मोटू सा, तो कहीं भी हम इसको रख सकते हैं, एडजस्ट हो सकता है, पैसे के पैसे बच गए और हमारा घर क्लीन हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। तो इस तरह डिफरेंट ये जो थी अचार की बॉटल सी और इसका डीआईवाई करके भी मैंने आपको दिखाया है, पैसे बचाएँ और घर में डीआईवाई बनाएं अपनी पुरानी बॉटल्स को। तो जी, ये चाय आइटम्स या फिर हम केक वगैरह बेक करते हैं अक्सर, तो कभी कभी चाय के साथ कभी हम ले लेते हैं दो पीस, तो बाकी पीसेस को जो है वो स्टोर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इसको किसी पुराने लंच बॉक्सेस में इस तरह की बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करके बनाएं और आप जब आप जो है वो डाइनिंग एरिया में रखेंगे, टेबल पर रखेंगे, तो बड़ा भी अच्छा लगेगा। आप पर मैंशन भी कर सकते हैं कि इसमें आपने क्या रखा है और ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। आप किसी भी इसको ट्रे में जो है वो सेट करके रख सकते हैं, अपने रनर पर रख सकते हैं, या आपको इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से ये फ्रिज में भी स्टोर हो सकता है, आपकी चीज़ भी ख़राब नहीं होगी और आप इसका स्टोरेज जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन स्टोरेज बॉक्स आपके तैयार है, पैसे भी नहीं लगे आपके। तो अपनी इन्हीं चीज़ों से जो है ना वो मनी सेविंग टिप जो है वो मैंने की है और इससे मैंने काफ़ी हद तक जो है वो अपने बजट को जो है वो कंट्रोल किया है। बड़े पैसे बचते रहते हैं इस तरह डेली हम कुछ ना कुछ करते जाते हैं और मसरूफ़ भी रहते हैं और सेटिस्फेक्शन भी होती है। तो उम्मीद है ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप इसको मैंशन करना चाहें तो आप कोई भी इसके ऊपर जो है वो मैंशन कर सकते हैं, कुछ टैग वगैरह इसके ऊपर लगा कर, और ताकि आपको इजीली जो है ना वो पता चल सके कि हर एक को लिड खोल के देखना कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो बच्चे भी इजीली जो है वो जो उनको रिक्वायर्ड है वो उसमें से चीज़ जो है ले सकते हैं। बाद में आप ऐसे जो है ना वो ऊपर जो है टैग को चेंज कर सकते हैं, दूसरा टैग लगा दें, कोई स्टिकर लगा दें, तो आपका आसान हो जाता है काम। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है वो मनी सेविंग टिप की तरफ। तो जी, हमारी जो एक और प्लास्टिक बॉटल्स का मैं आपके साथ डीआईवाई शेयर कर रही हूँ, इसका बड़ा बेस्ट यूज़ है, रिसाइकलिंग है, तो इसका इस्तेमाल आप बहुत ही बेहद अच्छी जगहों पे कर सकते हैं और मेरे चैनल पे कितनी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जी, इस तरह हमने कैप पे मार्किंग करके जो है वो नीचे बॉटम का पार्ट है वो हमने अलग कर लेना है और इसको हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।
छोटू सा बर्ड फीडिंग के लिए हमने ये बना लिया है, और इसमें आप कुछ भी है वो बाजरा वगैरह चावल वगैरह डाल के रखें और बर्ड्स आएंगे और इससे फीड करेंगे और आपको दवाई देंगे। बिलीव मी ये सदका जारी है, इसको ज़रूर करें, ये सदका है। और अपने घरों में ऐसे परिंदों के लिए ज़रूर बना कर रखें। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी, अपना ख्याल रखना भी तो बहुत ज़रूरी है। बार बार पार्लर जाना या अपनी जो है स्पा कराना वगैरह काफ़ी जो एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो घर में ही मौजूद चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए हम लोगों को चाहिए थोड़ी सी चीनी और टमाटर, और आपका बेहतरीन फेशियल तैयार है। आप इसको हाथों में इस्तेमाल करें, पाँवों पर, चेहरे पर, इसके बेहतरीन इसके जो फ़वाद हैं, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो रिंकल्स पड़ती हैं और ये जो डार्क आपके जो होते हैं ना, रिंकल्स हो जाते हैं, फेस पर हो जाते हैं, तो बिलीव मी इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बस आपने इसको लगा के हल्का हल्का जो है मसाज करना है, थोड़ा सा स्क्रबिंग करनी है हल्के हाथ से, और आप इसका जादू देखें। जब चीनी जो और अर्क के साथ मिलता है टमाटर के अर्क के साथ, तो इसका बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आएगा। और आप इसकी जूस को जो है ना वो देखिएगा कि 10 से 15 मिनट लगा के आपने इसको छोड़ देना है थोड़ी सी स्क्रबिंग के बाद, और आपने इसका जादुई कमाल देखना है, बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। डेली अपने चीज़ों पे जो हम पैसे बचाते हैं, तो अपनी जान पर भी हम जो होते हैं वो नहीं लगा रहे होते। तो घर की चीज़ों को इस्तेमाल करें, रेमिडीज़ को इस्तेमाल करें, और इससे जो है ना अपने आप को भी निखारें, अपने घर को भी खूबसूरत बनाएं। अपने आप को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा इन छोटी छोटी चीज़ों से। डेली जो है ना अपनी हैबिट्स में ये चीज़ें शामिल करें, अपना ख्याल रखना, रात को मसाज करना, फुल मसाज लें, और तो कभी वीक में एक दो बार जो है ऐसे स्क्रबिंग कर लें, ऐसे थोड़े छोटे जो है ना करने के बाद, रेमिडीज करने के बाद, आप देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया कि नहीं आया, ऐसे आप भी करके देखिएगा। तो जो चीज़ें जो है ना वो मुझे बेनिफिट देती हैं, जो मुझे फ़ायदा देती हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो, पैसे बचें, तो पैसे बचाएं। और जी, पार्लर वगैरह जाने का आजकल टाइम ही नहीं है, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, इतनी ताव है। तो उम्मीद है ये टिप आपको अच्छी लगी हुई होगी, और इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो आते हैं और नंबर वन टिप है जी, हमारी भिंडियों को देकर। तो भिंडियाँ तो हम वॉश कर लेते हैं, लेकिन मसला आता है इनको ड्राई करने का। तो अगर हम इनको खुला रखें तो मिट्टी वगैरह इसमें डलती है, या बच्चे हों तो इसको उड़ा उड़ा कर जो है ना वो ज़मीन पर दोबारा इसको गंदा कर देते हैं। तो जी, आज मैं आपको ज़बरदस्त एक टिप दे रही हूँ, कैसे जो मैश बैग से आते हैं हमारे जो सामान हम परचेज़ करते हैं बेकरी वगैरह से, तो आजकल इस तरह के बैग्स बहुत आम हैं। तो इस तरह के जो आप थैली ले लें ना, ये कपड़े टाइप के जो थैले होते हैं, तो आप इनमें जो है ना भिंडियों को डालकर और अच्छे तरीके से ना आप इसको बांधकर कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं, किसी भी कील के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इसको हैंग कर दें, और देखें ज़रा किस तरह इसका जो इतना पानी है ना वो इसी तरह ड्रेन आउट होता रहेगा, और इतने परफेक्ट ये जो है ना वो ड्राई हो जाएंगी, और कोई गर्द और मिट्टी भी इस पर नहीं लगेगी, और ये सेफली और जल्दी ड्राई हो जाएंगी। तो उम्मीद है ये टिप आपको अच्छी लगी होगी, और आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। इस तरह आप डिफरेंट चीज़ें जो है ना, मसाले वगैरह भी इसी में वॉश करके हैंग करते हैं, और बिल्कुल धूप में जो है ना ये इजीली हैंग करके और ये ड्राई हो जाते हैं। तो जितना हम लोग बास्केट में ड्राई करने में टाइम लगाते हैं ना, ये उससे जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इसको चारों साइड से नंबर टू की तरफ। तो जी, ऐसी हमारे पास जो टूथपेस्ट की जितने भी होती हैं ना ट्यूब्स वगैरह बची हुई होती हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें जो बहुत ज़्यादा जो होती है ना हमारे पास पेस्ट बची हुई हो जाती है। तो आज हम इनका कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखें इनके अंदर है लेकिन ये निकल नहीं रही है, जितना भी आप इसको प्रेस कर लें लेकिन आप इसको नहीं निकाल सकते। तो इसका आसान सा तरीका है, मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो हमारे घरों में जो होता है ना, डिफरेंट हमारे कप्स वगैरह होते हैं, क्रॉकरी होती है, तो उसके अंदर स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं चाय के, और अच्छे से ये साफ़ नहीं हो रहे होते। तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें इसी ट्यूब में, ठीक है, पेस्ट की, और इसमें से देखें जितनी भी है ना वो निकलनी शुरू हो जाएगी, और ये लिक्विड ही जो ये पेस्ट होगी ये इतनी अच्छे तरीके से सफाई करती है ना। आप इसको ब्रशिंग के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको सफाई के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें पानी भरें, और जी जितना भी इसका जो है ना मटीरियल, इसमें आप जो है ना आप वॉशिंग करें, जितनी भी आप चीज़ें हैं ना आप इसको साफ़ करें। इसको कप में मैं जो है ना वो निकाल रही हूँ, और आप चाहें तो एक ट्यूब दो ट्यूब में जो ऐसे ट्यूब्स के जो होते हैं ना लिक्विड बनाकर, और इसी से जो है ना वो क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। अब आप कोई भी ब्रश ले लें, ठीक है, मेरी तो ये किचन में अपनी क्लीनिंग के लिए ब्रशेस मैंने नहीं रखी हुई है, क्योंकि बहुत काम आती हैं छोटी छोटी चीज़ों को धोने के लिए। तो इससे इतनी अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाए कि आप अंदर बाहर जो इसका हैंडल वाली साइड होती है वहाँ भी अक्सर बड़े स्टेन्स हो जाते हैं, इसकी जो बेस होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो कलर फेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उस पर धब्बे लग जाते हैं। तो आप इससे जब क्लीन करेंगे ना, इससे इतनी अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी, जितने भी आपके कप्स वगैरह हैं आप उसकी अच्छी सी क्लीनिंग करें। और आप देखें सर, आप ये लिक्विड जो है ना आपने वेस्ट नहीं करना,
मैं इस लिक्विड को जो है ना वो कितने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ आप इस वीडियो में से ज़रूर देख के फ़ायदा हासिल करेंगे, और बाकी आइंदा वीडियो में भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस लिक्विड को जो है ना वो मैं फेंक नहीं रही, और जितने भी और जो पेस्ट की ट्यूब में जो है ना वो लिक्विड है उसको भी मैं इसी तरह पानी डालकर निकाल कर और ऐसे स्प्रे बॉटल्स बनाकर और अपने पास सेव कर लेती हूँ। तो आप रिज़ल्ट देखें कितने ज़बरदस्त से शाइनिंग से कप हो गए हैं, सारे इसके जितने भी स्टेन्स वगैरह एक बैड स्मेल जो इसमें हो जाती है ना वो सब इसमें से ख़त्म हो गई है। तो अगर आपको हैक अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें। कटलरी होती है जितने भी ये स्पून वगैरह होते हैं ना इसमें डेली इस्तेमाल हो रही होती हैं, कभी चिकनाई के कभी इसमें जो होते हैं ना चाट वगैरह हम डेली बेसिस पे जो होते हैं इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टेन्स लग जाती हैं, तो वो अच्छी सी चमक इसकी ख़त्म हो जाती है, स्मेल भी हो जाती है। तो इसको अच्छे से क्लीन करना बड़ा ही ज़रूरी है। इसको भी हम बेहतरीन तरीके से चमका सकते हैं जिन ट्यूब्स में आपकी जो पेस्ट बच है, या आप फिर नई ट्यूब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि हम इसे इतनी अच्छी सी क्लीनिंग ले सकें। ठीक है, हमने इसे सारी क्लीनिंग कर देनी है। और वॉशरूम में जो बच्चे हैं वो तो इतनी छोटी सी मतलब ट्यूब एंड में नहीं निकाल सकते, तो ऐसी ट्यूब्स में जो बच जाती है वो मैं ले आती हूँ और क्लीनिंग के लिए रख देती हूँ, अच्छी से इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो देखें आप स्पून को पहले का रिज़ल्ट देखें और फिर बाद का रिज़ल्ट देखिएगा, आप जो है ना वो बहुत हैरान हो जाएंगे। और जितने भी स्टील के बर्तन है ना, स्टील के बर्तनों में जो होती है ना इस चमक से ख़त्म हो जाती है। तो जब आप पेस्ट से जो है वो इसकी क्लीनिंग करेंगे ना तो इसकी चमक जो है ना वो दोबारा से बरकरार हो जाएगी। जितनी भी आपकी पतीलियाँ हैं, देगचियाँ हैं, जो प्रेशर कुकर होता है उसकी जो होती है ना चमक ख़त्म हो जाती है। तो बस आपने क्या कर लेना है, पेस्ट से इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है, और कोई भी हार्ड ब्रश आप ले लें या जो स्टील वूल होती है आप उससे इसकी क्लीनिंग की करें, और बड़ी ज़बरदस्त से इसकी क्लीनिंग होगी और आप देखेंगे कि उसका कलर कितना ज़बरदस्त चमकेगा और उसकी स्मेल, उसकी चिकनाई अच्छे से जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब वो हमारे दांतों को इतने अच्छे तरीके से चमकाता है तो क्या वो हमारे बर्तनों को नहीं चमकाएगा? तो देखें ज़रा रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त है। मैं तो ख़ुद देखकर हैरान हो गई थी, मैं जानती हूँ, लेकिन जब वीडियो में जब मैं ख़ुद देख रही थी तो वाकई इसका रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत अमेजिंग है। और आप ज़रा करके देखिएगा, आपको वाकई इसमें बहुत जो है ना वो वाजे फ़र्क नज़र आएगा। जी कोटी जो है वो मनी सेविंग टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने एक्स्ट्रा से जो है ना वो कोई भी क्लीनिंग सोल्यूशन वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपके साथ सोल्यूशन शेयर किया है ना, एक और आपके साथ उसका बेनिफिट शेयर करती हूँ कि उसको मैं किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो जी ऐसे जो होते हैं ना मोबाइल को क्लीन करने के लिए, या शीशे वगैरह या ड्रेसिंग एरिया में जो हमारे शीशे होते हैं या विंडो वगैरह की क्लीनिंग करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये ऐसे आप किसी भी कपड़े पर लगा लें, स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे से जो है वो आप शीशों पर, मिरर्स वगैरह पर लगाएं, डोर वगैरह पर, तो बड़ी अच्छी इसकी क्लीनिंग होती है। मैं पुराना फ़ोन की क्लीनिंग करके आपको बता रही हूँ, वैसे ये काम नहीं करता, लेकिन मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको मैं दिखा सकूँ कि बड़ी अच्छी क्लीनिंग कर रहा है, और कि आप जो है ना वो ग्लास और मिरर वगैरह की बड़ी ज़बरदस्त क्लीनिंग कर सकते हैं। बस मकसद क्या है कि आपने जो है वो बेहतरीन तरीके से पैसे बचाने हैं, हैबिट अपनी अच्छी बनानी है क्लीनिंग की। इग्नोर कीजिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ हमारी। तो जी नेक्स्ट टिप जो है हमारी ग्लासेस को लेकर है। तो छोटे बच्चे होते हैं तो इनको बिल्कुल अपनी ग्लासेस को क्लीन करना नहीं आता, तो स्क्रैचेस वगैरह भी पड़ जाती हैं। तो ये लिक्विड जो है ना ज़बरदस्त है, आपके छोटे छोटे स्क्रैचेस को भी क्लीन कर लेता है। एक्चुअली स्क्रैचेस जो होते हैं ना वो ख़त्म नहीं होते इसकी क्लीनिंग से, लेकिन उसमें जो वो छोटी छोटी मिट्टी सी फंस जाती है ना, ये उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेता है। तो बच्चों को विजिबल हो जाता है, इसको इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। तो अच्छे से ये जो है ना, और ये काफ़ी देर तक जो है ना वो गंदी नहीं होती। आप ज़रा इस क्लीनर से ज़रा अपनी बच्चों की अपनी ग्लासेस को आप साफ करके देखिएगा, स्पेक्टिकल्स कितनी अच्छे तरीके से जो होती है ना क्लीन हो जाती हैं, और इनमें जो एक ख़ास चमक आती है, और काफ़ी देर तक इस पर जो है ना चिकनाई वगैरह या कोई धब्बे वगैरह ईजिली नहीं लगते। एक और हैबिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप ऑयल का भी जो है ना वो इस्तेमाल जो है वो कम कर सकते हैं। एक तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, दूसरा वो इतना एक्सपेंसिव होता है, और इन फ्राइंग में जो है ना हमारे बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो बच्चों के लिए हम पापड़ वगैरह लाती हैं, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि हम उसको वॉश करके ड्राई करके इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन हमारी हेल्थ के लिए है, उसको गंदे तरीके से जो है वो ड्राई किया जाता है। तो आपने क्या कर लेना है, एक तो आप स्मार्ट भी रहेंगे, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होंगे, और अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो आप इस तरह नमक को दीक्षी में डालिए और इन पापड़ों को इसमें जो है ना वो आप इस तरह ड्राई रोस्ट करके बनाएं, तो बिलीव में इतने टेस्टी बनते हैं। और दूसरा इसमें ऑयल भी नहीं होता, आप भी खा सकते हैं कोई डाइट करना चाहे।
तो थीना टाइम एंड मनी सेविंग टिप्स मेरी हैबिट्स आपको अच्छी लगी होंगी उम्मीद है, और सबसे अच्छी वाली हैबिट आपको कौन सी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप कौन सी हैबिट्स जो है फॉलो करते हैं जिसका आप मुझे बनाना चाहें, मैं भी उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह, और जिसका बेस्ट कमेंट होगा उसका नाम जो है वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। तो बेस्ट कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिए, और अपनी राय का इजहार करने में बिल्कुल मत हेजिटेट करें, आपकी राय आपका लाइक करना मुझे बहुत मोटिवेट करता है और इसी की मुझे बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलती हूँ नई वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो आपकी लाइफ में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।